दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील स्टडी मंत्रा टीप चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी हो चाहे यूपीपीएससी, इसके मतलब एकदम सुस्त रवैये को देखकर कार्मिक विभाग के जो सचिव हैं उन्होंने कल एक शासनादेश जारी किया है कि जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी के पेंडिंग जो तुम्हारे अध्याचन हैं उनको 15 दिन के भीतर भेजने का कष्ट करें। शासनादेश आपने देख लिया होगा, नहीं तो मैं दिखा देता हूँ। और इसमें बहुत सारी भर्तियाँ जो अटकी पड़ी हैं उनको थोड़ी गति मिलेगी। और क्या ये पॉसिबल है 15 दिन के अंदर हो जाएगा? अब देखो, कहा है उन्होंने तो होना तो चाहिए, लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी के बारे में आप जानते ही हो कि चीज़ें वैसी होती नहीं हैं जैसी होनी चाहिए, ठीक है। और तुम्हारे अध्याचन आने में ही बहुत बहुत समय गुजर जाता है, 6 6 8 8 10 10 महीने, तो इस प्रकार से दिक्कतें हो जाती हैं। जब भी कभी तुम्हारे अध्याचन में त्रुटि होती है तो फिर वो वापस भेज देते हैं, जब ऑफलाइन था। अब तो ऑनलाइन के सिस्टम हो गया पूरा का पूरा, फिर भी इसमें गति नहीं हो पा रही है, गति नहीं पकड़ पा रहा है ये। चलो शासन आदेश पे ही आता हूँ डायरेक्ट में। देखो दोस्तों, यहाँ पर लिख रहे हैं ई अध्याचन अति महत्वपूर्ण, संख्या नंबर ये देखा है पूरा का पूरा। प्रेषक एम देवराज, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में समस्त अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, इनके लिए पत्र लिखा गया है। उत्तर प्रदेश शासन समस्त विभागाध्यक्ष कार्याध्यक्ष और संस्थान उत्तर प्रदेश के विभाग के माध्यम से कार्मिक अनुभाग 5, ये तुम्हारे जो कार्मिक अनुभाग के सचिव हैं उनके द्वारा ये लिखा गया है पूरा। लखनऊ दिनांक 16/9/2024, ठीक 16/9 का है ये। और यहाँ पर देखो विषय ई अध्याचन पोर्टल पर विभागों द्वारा अंकित की जा रही सूचना एवं लंबित अध्याचनों के संबंध में, मतलब जो अध्याचन लंबित पड़े हैं उनके संबंध में इसको जारी किया गया है। अब देखो यहाँ पर महोदया प्रदेश के सभी विभागों के समूह का ख और ग के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में लोक सेवा आयोग की बात भी कही गई है। प्रयागराज तथा उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा भर्तियां यही कराता है यूपी ट्रिपल एस सी। लखनऊ को अध्याचन ऑनलाइन माध्यम से भेजने हेतु ई अध्याचन पोर्टल विकसित किया गया है, ये पहले ही विकसित कर दिया गया था। शासन द्वारा समय समय पर निर्गत विभिन्न शासन आदेशों द्वारा ई अध्याचन पोर्टल के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विभिन्न विभागों विभागाध्यक्ष कार्यालयों द्वारा ई अध्याचन पोर्टल के माध्यम से अध्याचन प्रेषित किए जाने के संबंध में कृत कार्रवाई की उच्च स्तर की निरंतर समीक्षा की जा रही है। अब देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो पॉइंट आपको मैं दिखाता हूँ, ये पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाद बाकी पॉइंट तो सब इम्पोर्टेंट हैं। पॉइंट नंबर 2, आयोग द्वारा आपत्ति के साथ वापस किए गए अध्याचनों को में समस्त आपत्तियों का तत्काल निराकरण करते हुए 15 दिवस में संशोधित अध्याचन आयोग को प्रेषित करें। मतलब ये निर्देश दिए गए हैं कि 15 दिन के अंदर आप जितने भी लंबित अध्याचन हैं या किसी में आपत्ति हो गई है उसको दोबारा से 15 दिन के भीतर भेजें। अब देखो इसमें बहुत सारे अध्याचन हैं जो मतलब सबसे बड़ा तो यूपी ट्रिपल एस सी में ही अध्याचन लंबित पड़े जाते हैं कि इसको ये त्रुटि हो गई दोबारा आयोग के पास भेज दिया। जब ऑफलाइन था तो सालों गुजर जाते थे उसमें, अब भी ऐसा ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ये अध्याचन आया है तो उसमें बहुत तेज़ी देखने को मिली, नहीं मिल रही है। इसीलिए इस सुस्ती को देखते हुए कार्मिक विभाग ने ये नोटिस जारी की है, शासन आदेश जारी किया है कि भाई आप इसको संज्ञान में लीजिए और जल्दी से जल्दी जितने भी ये अध्याचन लंबित हैं या फिर आपने नहीं भेजे हैं या फिर आपत्ति वाले हैं सबको एकदम निराकरण करके 15 दिन के अंदर आप भेजने की कृपा करें। और नीचे सारा का सारा फिर लिख रहा है पूरा का पूरा, आप देख सकते हो आज्ञा से कुलदीप कुमार रस्तोगी विशेष सचिव। तो ये सारी चीज़ आपने देख ली। और दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो बहुत जल्दी आपको यूपी ट्रिपल एस सी से नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, लेकिन नवंबर से पहले नहीं, नवंबर से पहले किसी भी कीमत पर कोई भी नोटिफिकेशन देखने को आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।